ऐसा लगता है कि बिग बॉस इतने वक्त से जो हवा भरने की कोशिश कर रहे थे सुंबुल नामक गुब्बारे में, वो हवा भर चुकी है। जी हाँ, इसीलिए अब वो पूरी पम्पड अप हैं, चार्ज्ड हैं, और अब वो बुरी तरह से यू नो हर हर सामने वाले को टक्कर देती हैं। देखिए, हालांकि मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि सुंबुल का एक बड़ा ही राउडी अवतार, एक बड़ा ही थोड़ा सा यू नो ओवर अवतार जो है वो नजर आ रहा है, बट ये भी कहीं ना कहीं घर वालों का नतीजा है। आपने 40-50 दिन तक किसी को इस तरह से ट्रीट किया है, आपने 50 दिन से आप उसको यू नो ऐसे ट्रीट कर रहे हो सुंबुल को, तो जाहिर सी बात है कि उनके हिस्से भी फिर वो ही रिएक्शन निकलेगा। जब 50-60 दिन तक वो अच्छे से आपसे बात करती रही, वो तमीज़ से बात करती रही, तब तक आपने सुना नहीं, लेकिन अब उनका बॉस मोड ऑन हो चुका है, वो आपको आप ही की भाषा में जवाब देती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है, लेकिन जैसे को तैसा। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि जैसे को तैसा, बिग बॉस के घर के अंदर सुंबुल अब बॉस मोड पे आ चुकी हैं, और शिव ठाकरे ऑलरेडी बॉस मोड पे थे। शिव और शुबुल आप कह लीजिए, शिवुल आप कह लीजिए, तो एक तरफ शिव और सुंबुल, हैशटैग शिवुल जो है, ये घर के अंदर दोस्त भले ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त इनके फैंडम्स के बीच टक्कर छिड़ गई है और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जी हाँ, फैंडम्स आपस में लड़ रहे हैं, बट क्यों लड़ रहे हैं? लड़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि बात आ गई है, दिखाती हूँ आपको, दिखाती हूँ, जरा रुको, सब्र करो। सो ये वो रीजन है जिस वजह से ये दोनों लोग लड़ रहे हैं। जी हाँ, शिव ठाकरे एक तरफ और सुंबुल तौकीर खान एक तरफ, और बॉस मीटर इस हफ्ते शिव भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं, काफ़ी दिखे हैं। अंटिल एनलिस्ट लास्ट दो हफ्तों से थोड़ा शिव जो है वो साइड में दिख रहे थे, एज इन नॉट एज अ मेन कैरेक्टर वो लग रहे थे, बट हाँ फिलहाल वापस से शिव लौट आए हैं। मुझे शिव पसंद है, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टैन साजिद के साथ रह रहकर वो बहुत नेगेटिव दिखने लग गए हैं, वो एक बुली गैंग लगने लग गया है मोर देन इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। रही बात सुंबुल की, सुंबुल का शिव के साथ ये जो कॉन्ट्ररी हो रहा है, ये जो टक्कर है, ये फैंस ये रीज़न है कि फैंस आपस में लड़ रहे हैं, फैंस आपस में टकरा रहे हैं। और सवाल पूछा गया है, हु इज़ बॉस ऑफ द वीक? अब मैं अगर आपको कमेंट सेक्शन बताऊं तो कमेंट सेक्शन भरा हुआ है सुंबुल तौकीर खान के नाम से। जी हाँ, ज़्यादातर लोग सुंबुल को कर रहे हैं वोट, ज़्यादातर लोगों को ये मानना है, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि सुंबुल इस हफ्ते बॉस ऑफ द वीक कहलाई जानी चाहिए, बिकॉज उनके अंदर वो चेंज देखने को मिला है, और इसी चेंज को देखने के लिए हम लोग काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, तो अब जब देखने को मिल गया है तो हमें इसे अडोर करना चाहिए। आप लेकिन इस पर क्या कहेंगे बताइएगा।